हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब सेशन में। और ये जो आपका सेशन रहने वाला है वो आपका BRL 102 पर रहेगा, ठीक है। और ये आपका BBA का सब्जेक्ट है ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि किस तरह के इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो जून एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। वन बाय वन करके हम सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ इस सब्जेक्ट का। देखो भाई, इसमें अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 आपका रिटेल मार्केटिंग पर है, ठीक है। जो रिटेल मार्केटिंग है इसमें एक तो सबसे मेन क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंस पर बनता है कि जो रिटेल मार्केटिंग है इसके इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि रिटेल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। और इसका जो नेचर है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसका जो इवोल्यूशन रहा है रिटेल मार्केटिंग का वो कैसा रहा, ये चीज़ आपने बतानी है। यूनिट नंबर 2 है शॉपर बिहेवियर, ठीक है। शॉपर यहाँ पर कौन है, जो शॉपिंग करने के लिए आया हुआ है। हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, हमारा जो कस्टमर होता है उसे शॉपर बोलते हैं। तो रिटेल में शॉपर के बिहेवियर को क्यों स्टडी किया जाएगा और इसको स्टडी करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम शॉपर बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं, वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे आप शॉपर बिहेवियर को स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा यूनिट है आपका पर्सनल सेलिंग का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ ए सेल्स पर्सन, कि जो एक सेल्स पर्सन है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए है, पर्सनल सेलिंग का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा कस्टमर नीड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ नीड पर क्वेश्चन बनता है कि कितने तरह की कस्टमर नीड होती है। और इसके अलावा नीड ड्राइविंग प्रोसेस, कि नीड से और नीड से स्टार्ट होता है कस्टमर का बाइंग प्रोसेस और उसके बाद ही वो बाइंग पर आता है। तो कस्टमर बाइंग प्रोसेस हमारा क्या होगा, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये क्वेश्चन आपका बनेगा इस यूनिट से। कस्टमर नीड क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ सेलिंग, जो आपका सेलिंग है सेलिंग का प्रोसेस क्या होगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स आपके फॉलो होंगे, क्लियर है। एक आपका उसमें आएगा हैंडलिंग ऑफ डिस्प्यूट, कस्टमर्स के जो भी प्रॉब्लम है तो उनको कैसे हैंडल करते हैं, ग्रीवेंस कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ आपकी यहाँ से बनती है यूनिट नंबर 6 से। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटेल प्रमोशन, कॉम्पोनेंट ऑफ रिटेल प्रमोशन, कि जो रिटेल प्रमोशन है वो क्या है और उसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। इन स्टोर प्रमोशन के आपके हैंडल क्या क्या हैं जिससे इन स्टोर प्रमोशन होती है, ठीक है। इन स्टोर प्रमोशन के मैनेजमेंट स्टिक क्या होंगी, मैनेजेरियल एक्टिविटी क्या क्या होंगी। इसके अलावा इन स्टोर प्रमोशन की स्ट्रेटजी, बजट क्रिएशन और इवैल्यूएशन मेथड, है ना, तीनों पर आपका टॉपिक बन जाएगा। इसके अलावा है टेक्निक ऑफ द सेल,
इन स्टोर प्रमोशन में किस तरह की सेलिंग टेक्निक यूज़ होती है। क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया के अंदर प्रमोशन कैसे होती है, कौन कौन से मेथड हैं जिससे सोशल मीडिया प्रमोशन होगी। और लोकल स्टोर मार्केटिंग, जो लोकल स्टोर मार्केटिंग है इसका नेचर क्या होगा, इसके आपके इम्पोर्टेंस क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिए थे, लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, है ना, तो उस दौरान मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो उन क्वेश्चन को भी कंसिडर करना है। और अलोंग विद दैट आप अपने इस टॉपिक को भी करेंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका BRL 102 है। मैंने आपको मोटा मोटा सा सारी चीज़ें बताई कि क्या यूनिट है और किस तरह के टॉपिक बनते हैं, क्लियर। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच। और कंबाइंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।